हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शक्ति और आप देख रहे शक्ति मुखी ऑल इन वन। तो आज आप लोग सोच रहे हैं हम लोग दोनों ऐसे वीडियो में क्यों आ रहे हैं। मैं बता दूं कि आज हम लोग का एनिवर्सरी है, हमारे शादी को 1 साल हो चुके हैं। तो आज हम लोग महादेव साल जा रहे हैं, गोइलकेरा का महादेव साल। सब पूरा फैमिली जा रहे हैं, मम्मी पापा भाई मैं और मेरी वाइफ। तो बने रहिए वीडियो पर। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी महादेव साल टेम्पल। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग का पूजा तो खत्म हो चुका है और ये मंदिर है। तो आइए कुछ इस मंदिर के बारे में 2-4 बातें करते हैं। इस मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी कथा भी है जो मेरे पापा आप लोगों को बताएंगे विस्तार से। और ये मंदिर का कुछ व्यूज भी देख लीजिए आप। तो आप लोगों ने तो देख लिया ये मंदिर को, तो चलिए अब इसके बारे में क्या कथा है वो पापा के पास जाते हैं और पापा बताएंगे विस्तार से। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी पापा बताएंगे विस्तार से इसके बारे में क्या कहानी है, तो चलिए पापा से सुनते हैं। हाँ, ऐसा तो मैं भी नहीं जानता, पूर्वज का कहना है। और ऊपर जो कहते हैं वो बहुत दिनों तक बाप ओझा लोग का बात जो फैल के चारों तरफ वो फैल जाता है, उसी आधार से मैं बता रहा हूँ। इतना मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सुना हूँ बुजुर्गों से कि अंग्रेज जमाने में यहाँ जब रेल लाइन बिछा रहे थे उस समय पटरी जो लगा रहे थे लकड़ी वाले,
रेल लाइन लोहा का था, लेकिन जो स्लीपर लगा रहे थे वो लकड़ी वाला लगा रहे, तो उसी समय सिंगल लाइन बन रहा था। और ये जो बाबा भोलेनाथ ओम नमः शिवाय जो निकले हैं, ये अपने आप में कोई अस्थपना नहीं किया गया है इसको, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। और बाबा सुन भी रहे होंगे जो उसके हकीकत मैं व्यक्त कर रहा हूँ, बात जानकारी दे रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये बाबा यहाँ निकले थे तो अंग्रेज जमाने के लोग जब रेल लाइन बिछा रहे थे यहाँ माल ढुलाई के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए यात्री के लिए, तो उसी समय ये निकले हुए थे। और ये रेल लाइन अगर यहाँ बिछाया जाता तो वहाँ हम लोग का दिखाएगा बेटा कुछ देर के बाद, जो टेनर बोलते हैं जो होल सुरंग, अंग्रेज जमाने के सुरंग जो पिक्चरों में भी बताते हैं, अंग्रेज जमाने के जेलर है जो अफरानी बोले थे, उसी तरह से दो सुरंग यहाँ बना है, अभी थर्ड लाइन का और एक बना है। तो वो सुरंग नहीं मिलता अगर ये इस दूरबीन से देखा जाता कि इस सीट में अगर बैठा था रेल लाइन को, तो यहाँ जो हम लोग के हिंदुस्तान में पंडित लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, वो उन्हीं लोग का कहना था कि यहाँ बाबा निकले हैं, यहाँ पर हम लोग रेल लाइन स्थापित या बैठाने नहीं थे। तो वो अंग्रेज जमाने के आदमी जो लोग थे वो एक ऐसा उसमें से एक व्यक्ति था जो नहीं माना ये क्या है। उन लोग के पास उस समय गन रहता था जो पिस्तल राइफल बोलते हैं, उन्हीं पिस्तल राइफल से यहाँ पर गोली चला दी बाबा के आगे, जो इसके माध्यम में एक साइड पर चोट अभी भी है, वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, जो भूल मेरी लगा हुआ है बाबा के ऊपर, इस ये चीज हटाने का मेरा ऊपर इतना साहस नहीं है और क्षमता नहीं है। मैं बाबा के भक्त हूँ और रियल में उसका बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, और मैं मानता हूँ भोलेनाथ को। तो इसी का कहानी वही कहानी है जो इसमें राइफल चला दिया, जब तो पत्थर के जैसे ही रहते हैं शिवलिंग, शिवलिंग थोड़ा सा चटक गया मैंने टूट गया, तो उसमें से वो दूध अपने आप निकलने लगा। और कुछ देर के बाद, कुछ क्षण के बाद अंग्रेज के जो व्यक्ति ने इसमें गोली फायरिंग की थी वो मुंह तरफ से ब्लड यानी कि खून निकल के वहीं पर पटक पटक के झटक झटक के एक्सपोर्ट डेट हो गया, मर गया। तो उसी समय सरकार ने भी, राजा लोग हम लोग यहाँ थे पहले, राजा राज चल रहा था और उस समय शायद हम लोग का संविधान भी नहीं बना था भारत के संविधान, तो उन्हीं लोगों का कहना और समर्थन से यहाँ रेल लाइन नहीं बिछाया गया, उसके वजह से साइड में लिया गया जो रेल लाइन बिछाया है वहाँ टेनल दुर्ग बना है जो आपको दिखाया जाएगा। तो यही कहानी है बाबा का, ये बाबा के ऊपर जो भी वरदान मांगे सही मन से सही दिल से सब पूर्ण होता है, बाबा को जो भी चाहे उसके समझ आके चाहे कहीं से भी मन से, ये बाबा के नाम से जो गोइलग्राम महादेव साहब स्थापित है ये शिवलिंग, स्थापित तो नहीं होगा कि अपने आप प्रकट हुआ है, तो ये शिवलिंग को जो भी अपने मन से या तन से धन से जो वरदान मांगते हैं वो पूर्ण होता है, जो मेरा पूर्ण हो चुका है, मैं तो कहूंगा कि मेरा हो गया है और मैं सही तन और मन धन से मानता हूँ भोले बाबा के, इसको भी मानता हूँ और कहीं भी स्थापित हुआ सबको मानता हूँ, भोले बाबा का भक्त हूँ, जय भोले। तो जैसा कि पापा ने बताया आप लोगों को, तो आप लोग तो समझ ही चुके होंगे, और नहीं समझे हैं तो बताइए इसका क्या घटना है, बहुत लोगों का कहना है। बाबा महादेव साल हैं जी, इनका घटना यह है कि ये रेल लाइन जो अंग्रेज जमाने लोग अंग्रेज के जमाने के समय मंदिर को काम कर रहे थे जी जी, तो बाबा के पास से ही रेल ट्रक जा रहा था, तो जब यहाँ तक खुदाई करते करते आया तो यहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान मिला, बीच से शिवलिंग निकला हुआ, तो कुछ लोग गांव के लोग भी काम कर रहे थे तो वो लोग बोले कि भाई हम लोग का इष्ट देव है हम लोग नहीं छुएंगे, तो अंग्रेज बोला कि तुम लोग पत्थर को भगवान मानते हो, किसी वस्तु से बाबा के ऊपर प्रहार कर दिया अंग्रेज,
और प्रहार करने के बाद दूध का धारा निकलना चालू हुआ। जब दोबारा प्रहार किया तो बाबा खंडित हो गए, और जैसे ही खंडित हुए उसमें से रक्त का धार निकलना चालू हो गया। तो अंग्रेज पूरा बुरी तरह से घबरा गया कि पत्थर का मूरत से ब्लड का धार कहाँ से आया। तो वो भी कुछ दूर भाग भाग के गया और ब्लड उमिट कर कर करके स्पॉट डेड कर गया। उसी समय से बाबा का स्थान छोड़ करके रेलवे ट्रक पूरा घुमा के लिया और बाबा का स्थान छोड़ दिया। और टनल दो को खोदना पड़ा, बनाना पड़ा। बाबा के वजह से ही आगे में करीबन 1.25 किलोमीटर का उसको टनल भी खोदना पड़ा। तो बाबा बहुत जगता बाबा हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, इनको मानने वाला राहुल किला टाटा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सावन में काफ़ी संख्या में भीड़ भी लगती है। तन मन धन से लड़का आपके पीछे समर्पित है, इसको बहुत आगे बढ़ाइए और जो कार्य कर रहा है उसमें सफलता दीजिए। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी को हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद। और जो ये कहानी बताए आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ का बहुत पुराना कथा है। तो अभी वो टनल भी थोड़ा बहुत दिखा देंगे दूर से, तो बने रहिए वीडियो पर। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, इसमें भी एक कहानी है जो आपको पापा अभी बताएंगे। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये रोड है, रोड के उस पार से गजराज जो होते हैं जंगल वाला गजराज महाराज लोग जो आते हैं बाबा भोले के पास, वो लोग इर्द गिर्द जाते हैं उसके सामने देख के घूर इस स्थान से सामने सट के, उनसे कुछ भी क्या होता है पता नहीं, वो हर साल आते हैं। इधर से एक बार आ रहे थे, मैं यहीं पे आया था रात में कुछ काम से, या थोड़ा जस्ट बगल में महादेव साल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वो रेलवे स्टेशन में कुछ काम था मेरा, और हम लोग दोनों बाइक में आए थे। गाड़ी उड़ी भी जैसे आ रहे हैं, अभी दिन में तो आते नहीं हैं, लेकिन इधर जो है उधर से आते हैं। तो रास्ते में आके रेल लाइन थोड़ा ऊपर में रेल लाइन है, इधर ध्वज दिख रहा है वो रेल लाइन, इधर से आए यहाँ तक, यहाँ पानी नमी है खेत का, इसमें उन लोग का पान जो बच्चा बड़ा सब हाथी लोग जो गजराज लोग यहाँ पर पधार चुके थे पूरा खेत। हम लोग वहाँ बाइक खड़ा कर लिए, खड़ा करने के बाद उधर से हम लोग फिर वापस लौट गए। लौटने के बाद देख रहे हैं दूसरे दिन फिर आए वो काम से, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पांच थे, और इधर से फिर वो लोग रिटर्न हो गए। रिटर्न होकर के उधर से गए तो किसी तरह से गांव वाले के नज़र लग गए, तो हम लोग का खेती का धान खाने आ गए हैं, ये सब सोच के कि इधर उधर हल्ला करते कुछ भी दिख जाता तो उन लोग का हल्ला करके भगाए। तो वो लोग गुस्सा हो करके पूरा इसी जंगल में ठहर गए थे कुछ दिनों तक, और बहुत बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो इधर से रोड में आने जाने वालों जो बाइक कार मोटरें हैं वो बंद टप हो गया था। फोर्सेस डिपार्टमेंट के आदमी लोग आए, फिर उन लोग को कुछ उन लोग का कुछ भी तरीका ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं ऑफिसर लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन लोग को समझा बुझा के अपना जिधर से आया था उन लोग उधर भेज दिया। तो यही कहानी था गजराज महाराज का। तो जैसा कि पापा ने अभी आप लोगों को बताया, आप लोग ने तो सुन ही लिया, तो अभी चलिए टनल को दिखाने ले जाते हैं आप लोग को, तो बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग ये अभी पहुंच चुके हैं महादेव साल स्टेशन, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ का भी कुछ व्यू दिखाते हैं, और यहाँ पर आगे में थोड़ा ही दूर में है टनल, तो उसको भी दिखा देंगे। तो पहले ये स्टेशन का व्यू देख लीजिए। यही वो टनल जिसको यानी कि सुरंग, इस पहाड़ को खोदा गया है अंग्रेज जमाना का, ये सुरंग है। वही जो घटना हमारे पंडित जी और मेरे पापा ने बताया उसी घटना के कारण ये बना। आगे में और दो सुरंग है, ये इससे भी बड़ा बड़ा सुरंग है।
तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा एनिवर्सरी है, हमारे शादी को एक साल हो चुका है, तो हम लोग आज उसी चीज का सेलिब्रेटिंग करेंगे। गले में खिच खिच तो आइए हम अपना फैमिली मेंबर से आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये मेरे पापा हैं और इनको तो आप जानते हैं, ये मेरी वाइफ है और ये जो है मेरे भाई हैं और ये मेरी मम्मी है और ये मेरे दादी और ये मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा का बेटा है और ये मेरी बहन चाचा की बेटी और ये मेरे छोटे चाचा हैं और ये मेरी छोटी दादी है और उधर देख सकते हैं वो मेरा सबसे पागल वाला साला है। आए आए। ये मेरे बड़े भैया हैं, यानी कि मेरी वाइफ के बड़े भाई। तो चलिए हम लोग अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं, हम लोग इधर आज करंट कटा हुआ है, तो आज हम लोग कैंडल से ही सजाए हुए हैं। ये हम लोग का छोटा मोटा सेटअप है, तो इसी से ही काम चला रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग का सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का सेलिब्रेशन बस इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे और सामने एक बेल आइकन है उसको ऑन कर दे ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।